नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम अवध सिंह और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता है और आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पोर्टुलका के फूल के पौधे, जिसे तमाम लोग मांस रोज के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, ये पोर्टुलका का पौधा जिनको गार्डनिंग शुरू करना है उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। यह किसी को भी निराश नहीं करता है। आप कैसे भी इसको अपने गार्डन में लगाइए, गमले में लगाइए, ज़मीन में लगाइए, कहीं क्यारी में लगाइए, किसी को निराश नहीं करता है और पूरी गर्मी से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छे फूल देता है। यह एकदम ईजी टू ग्रो। पोर्टुलका एक ऐसा पौधा होता है जो कि ज़मीन पर एकदम से घास की तरह फैलता है। इस पौधे को लगाना एकदम आसान है, आसानी से लग जाता है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पौधे को दोस्तों ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं। दोस्तों, यह गर्मी में फूल देने वाला पौधा है और अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को ये बर्दाश्त कर लेता है। तो फूल के पौधे को हम दस बजिया फूल के नाम से भी जानते हैं, गुल दोपहरी के नाम से जानते हैं, दोपहर खिड़ी के नाम से जानते हैं। इस फूल का नाम 10 o'clock भी है, कुछ लोग 9 o'clock बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके कई नाम हैं। आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में इस फूल को किस नाम से पुकारते हैं, कृपा करके कमेंट्स में हमें बताइएगा, ताकि अन्य जगह के विषय में हमें भी जानकारी हो सके। दोस्तों, पोर्टुलका के फूल प्रतिदिन सुबह में धूप के साथ में खिलते हैं और सायंकाल सूर्यास्त के समय तक एकदम सिकुड़ के ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, इस फूल को ज़मीन, गमला, हैंगिंग बास्केट, आप कहीं पर भी इस फूल को लगा सकते हैं। आप जहां कहीं भी लगाएंगे, यह बहुत बढ़िया फूल देता है। एकदम से लाल लाल रंग के फूल गार्डन में गुलाब के फूल की शोभा देते हैं, इसे इसीलिए मांस रोज भी कहते हैं। दोस्तों, बात करें कि कितने गहरे गमले में इसको लगाएं, तो गमला ज़्यादा गहराई का नहीं चाहिए। 5 या 6 inch गहरा गमला लीजिए। चौड़ाई आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, आपको जितने पौधे लगाने हैं। दोस्तों, गमला का ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए, जिससे कि गमले में पानी, एक्स्ट्रा पानी निकले ना, वो ड्रेनेज होल से बाहर। इस पौधे में कितना पानी देना चाहिए, तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि जब इसकी मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे तभी पानी दीजिए, और पानी कम मात्रा में दीजिए, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी इसमें न डालिए। दोस्तों, यह गर्मी का पौधा है, पूरी सनलाइट, धूप को पसंद करता है, इसलिए आपको इस पौधे को धूप में ही रखना है। इसे कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे रोज़ अच्छी धूप की ज़रूरत होती है, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छी कलियाँ बनेंगी, अच्छे फूल। दोस्तों, बात करें खाद की, तो जिस समय आप पौधा लगाएंगे उस समय इसमें आप गोबर की खाद डालेंगे और बालू मिलाएंगे, तो आगे जब भी इसको खाद देना है तो इसमें गुड़ाई करने की तो जगह नहीं होती है, गुड़ाई आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको लिक्विड खाद देना पड़ेगा, या तो आप केमिकल खाद दीजिए। केमिकल खाद में अगर आप DAP देते हैं तो DAP से आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा और फास्फोरस मिल जाएगा। DAP में 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। अगर DAP देंगे तो एक गमले में 10-15 दाने DAP के डाल दीजिए, और DAP के साथ में आपको पोटेशियम की थोड़ी सी एक चिटकी मात्रा पानी में घोल करके एक गमले में डाल दीजिए, एक चिटकी मात्रा काफ़ी है। अगर आप NPK का इस्तेमाल करते हैं तो NPK में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ये तीनों चीज़ विद्यमान होता है, तो आप जो भी NPK दे रहे हैं अगर उसमें पोटेशियम है तो अलग से आपको पोटेशियम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केमिकल खाद ना देना चाहते हैं तो आगे आप केवल आप चाय के पत्ती का लिक्विड दीजिए, प्याज के छिलके का लिक्विड दीजिए, बनाना पील का लिक्विड दीजिए, बस इतना काफ़ी है। अगर आप इतना देख रेख करते हैं तो आप देख रहे हैं मेरा पौधा कितना हेल्दी है। इस तरह से आप भी इस मांस रोज के पौधे से, पोर्टुलका के पौधे से बहुत अच्छा फूल ले सकते हैं। हमारे यहाँ गांव में इस पौधे को संजीवनी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया
कि पोर्टुलिका के पौधे की किस तरह से देख रेख करें, किस तरह से अच्छी कलियां पाएं, अच्छे फूल पाएं, अपने पौधे को किस तरह से स्वस्थ रखें, कौन सी खाद दें, किस तरह से अन्य केयर करें। तो दोस्तों हम समझते हैं कि इस पौधे के विषय में इतनी जानकारी काफ़ी होगी। अंत में आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों हम एकदम से आसान भाषा में पूरी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा और अच्छी जानकारी देता होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि यह जानकारी तमाम लोगों तक पहुँचे। दोस्तों फिर आगे किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।